F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियां की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience Mall पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience Mall। अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल की ओर से वार्ड नंबर 6 में वेस्ट डिपो की शुरुआत की गई है, जहाँ पर वार्ड नंबर 6 के पार्षद श्री अजीजुर रहमान जी के सहयोग से वहाँ के निवासियों ने कूड़े कचरे को लेकर जमा करवाए और बदले में उन्हें अजीज जी ने पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल की ओर से गिफ्ट भी दिए। ये एक बहुत ही सराहनीय पहल की गई है ताकि हमारे द्वीपों में स्वच्छता की जागरूकता हो और हम पूरे भारत में स्वच्छता के मामले में अव्वल स्थान पाएं। साथ ही इस कार्यक्रम में पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल सेक्रेटरी श्री दिलकुश मीणा जी की उपस्थिति में स्कूली बच्चों ने वेस्ट प्रोडक्ट से कई सारी चीजों को बनाकर प्रदर्शन किए, जिसकी सेक्रेटरी साहब ने जमकर तारीफ की। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। मैं फर्स्ट प्राइज आई सुनील एग्जैक्ट इनके सुनील जी आ रहे चंद्रता जी जी जो हमारे रेसिडेंशियल है जो सर्वे हुआ था, सभी रेसिडेंशियल ने अच्छे काम किया है, सभी के घर में प्राइज लगा हुआ है। लेकिन domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in। अगर बच्चे ने माँ बाप को अगर बोल दिया
कि इस तरह से कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। इसको जो है ड्राई वेस्ट इधर है, वेट वेस्ट इधर है, इसको मिलाकर डालना है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के बच्चों को इसमें शामिल करेंगे और बच्चों को एजुकेट करेंगे कि साफ़ सफाई अपने सिटी को रखना, अपने घर को रखना है और अपने आप को खुद साफ सुथरा रखना है। तो इस कोशिश में जो आज आप लोगों ने अपने पहला दिन है हमारा जो डिपो यहाँ पे बना है वेस्ट डिपो, तो जिन आप सभी को इनवाइट किया गया था हमारे एरिया के काफ़ी लोगों ने अपने अपने घर से जो है मैंने देखा है कि वेस्ट लाकर यहाँ पे रखे हैं। तो इन सभी को जो है हम अपने पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल और GIZ के टीम के तरफ से जो है कॉटन बैग जो है आपको दिया जाएगा, जिसको हम लोग 5 kg रखे थे कि जो 5 kg वेस्ट लाएंगे उनको दिया जाएगा। बट आज पहला दिन है, आज जो कुछ भी लाया सभी को हम देंगे। और आगे हमारे बच्चे जो है जितने भी वेस्ट से बना कर लाए उनका भी कॉम्पिटिशन देखेंगे, उनको भी हमारे जूरी जो है यहाँ पे है जज करेंगे और उनको भी अच्छे अच्छे प्राइजेस दिए जाएंगे। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे वार्ड को जितना से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमारा रेटिंग और बढ़ेगा। 82 में आए हैं इंडिया लेवल में, तो अगले साल हमारी कोशिश है कि हम 30 के अंदर में आए। तो धीरे धीरे हम जो है इसको इस टारगेट को जो है अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस आप लोग सब जो है थोड़ा जो है हमारे वार्ड को अगर मदद करेंगे साफ़ सफाई में, तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे PBMC के सफाई मित्र जितने भी हैं, ये सब मिलकर जो है इनका काम आसान होगा और हम जल्द से जल्द जो है इसको अचीव कर लेंगे। हम वार्ड को नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हमारे बहुत बुजुर्ग भी है मैडम, बहुत एक्टिव है। ये देखिए इन्होंने अपना घर का क्लोथ कपड़े भी लेके आए हैं, क्योंकि ये क्या होगा अच्छा से रखे हैं। और ये हम फिर से हमारा जो ये है हमारा जो नेकी के दीवार उसमें चला जाएगा। और जो नीडी होगा अपने सभी आप ला सकते हैं, ऐसे नथिंग इज वेस्ट। मैंने बोला ये नीडी को चला जाएगा, जिसको ज़रूरत है लेंगे और नहीं होगा तो उसके बाद फिर प्रोसेसिंग में ये जो है रिसाइकिलिंग में चला जाएगा। तो ये पहला शुरुआत एक तालियों के साथ जो हमारे जो रेसिडेंट्स के तरफ से आ रहा है। नमस्कार, आज पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल ने एक वेस्ट डिपो जो है हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 6 में बनाया है, जो कि एक सैंपल है और एग्जांपल भी है बाकी वार्ड के लिए। क्योंकि हम इस वेस्ट डिपो का जो है मेन मकसद है कि आसपास के लोग जितने भी हमारे वार्ड में रहते हैं, अगर वो लोग अगर अपने घर से कोई भी वेस्ट यहाँ पर लाकर देते हैं और वो 5 kg के आसपास रहता है, तो हम उसको एक जो है गिफ्ट यहाँ पर देंगे, कॉटन बैग जो है जो GIZ के द्वारा जो है हम लोगों को PBMC को दिया गया है। तो कॉटन बैग देंगे हम उसको, एक प्लांट देंगे और हम एक कैरेट देंगे जो ट्रे है प्लास्टिक ट्रे, कि वो अपना उसमें कुछ गार्डनिंग कर सके, प्लांट लगा सके। और साथ ही हम लोगों ने जो है आप देखिए कि ये वेस्ट डिपो जो है सभी वेस्ट से बनाया गया है। साथ ही हम स्कूली जो बच्चे हैं उनको जो है इनवाइट करे हैं और उसमें जो 6 स्कूल ने पार्टिसिपेट करा है, जो कि वेस्ट टू वंडर जितने भी पुराने सामान हैं उससे जो है अपने अपने कला को जो है दिखाया गया। हम आपको ऊपर दिखाएंगे हॉल में जो है। जो हमारा PBMC के सेक्रेटरी जो है दिलकिश मीना साहब, उन्होंने आते ही हमारे PBMC ज्वाइन करते ही जो है बहुत सारे ऐसे साफ़ सफाई को लेकर और ऐसे डिपो बनाने का जो है आइडियाज़ उन्होंने दिया है, और जिसको हम विद इन ए वीक जो है कंप्लीट करके जो है कंपटीशन भी शुरू करवा दिए। तो इससे क्या है कि हमारे वार्ड के लोग भी इसमें हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे, उनका मंथली जो भी कचरा जमा होगा, वेस्ट जमा होगा, प्लास्टिक हो जो भी वेस्ट है यहाँ लाकर देंगे, उस वेस्ट को जो है उनके बदले में हम उनको गिफ्ट देंगे। और दूसरा इसको जो है इनको ये वेस्ट हम उनको देंगे और उनसे जो पैसे जो मिलेंगे जितने भी सैनिटरी मजदूर भाई बहन हैं इन सब के पास जो है ये पैसा रहेगा, उनके वेलफेयर के लिए जो है अगर ये पैसा जमा होगा तो वो उस पैसे से वो अपना कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पहली बार ये कोशिश जो है PBMC ने किया है और ये वार्ड नंबर 6 से जो है स्टार्ट हुआ है। और पहले भी हम एक वेस्ट टू वंडर पार्क सामने बना चुके हैं नवोदय फाउंडेशन के साथ में,
हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जो SWM प्रोजेक्ट जो है सर देखते हैं, उनका JEE है जूनियर इंजीनियर जो है वो भी SWM का काम देखते हैं। तो इनके आने के बाद जो है काफ़ी हम लोग जो है साफ़ सफाई और वेस्ट को लेकर जो है हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अजीज़ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आइडिया, ये जो कॉन्सेप्ट अभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई किए हो, डेफिनेटली काबिले तारीफ़ है। यह आइडिया आप लोगों को बताया किसने या आप लोगों का खुद की उपज है ये? देखिए, ये तो हम लोगों का स्वच्छता अभियान और सर्वेक्षण जो चल रहा है तो उसी में जो है हम नए आइडियाज़ को जो है जो मेनलैंड में ऐसे कॉन्सेप्ट को लाया जाता है और उससे जो है हमारे काउंसिल को मालूम चलता है तो हम उसमें जो है फिर काम करना शुरू कर दिया। तो ये जो कचरा इन लोग यहाँ पे ला रहे हैं, आपके वार्ड के मेंबर्स जो ला के यहाँ पे आप लोगों को दे रहे हैं, ये कचरे कहाँ से, उनके घर के अंदर का है, अगल बगल का है? नहीं, घर में जो जमा होता है आपका। देखिए, घर में जो जमा होता है वो तो आप ला कर देंगे, अगर आप अगल बगल भी अगर आपके घर के आस पास अगर कूड़ा कचरा दिखता है अगर उसको भी अगर कोई उठा कर, क्योंकि देश का जो प्रधानमंत्री सड़क में झाड़ू मारकर हम लोगों को दिखा सकता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं अगर शर्म नहीं है मुझे तो हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो घर के अंदर जो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट जमा करके लोग सैनिटरी वर्कर्स को बाहर रखते थे, अब वे नहीं रखेंगे, अब जमा करके यहाँ पे लाके आप लोग को देंगे? नहीं नहीं, सैनिटरी वर्कर्स का डेली का जो रूटीन, डेली का काम वो रहेगा। राइट, जो लोग अभी जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो गया, लोहा का हो गया, पेपर वेस्ट हो गया, और जो चीज़ जो है मेल्ट नहीं होने वाला चीज़ है, क्योंकि अगर हम क्योंकि वेट वेस्ट जो है दो चार दिन घर पे नहीं रख सकते जमा करके, right. हम उसको भी देंगे यहाँ पे गिफ्ट, बट क्या वो आपको डेली लाना पड़ेगा, अगर डेली भी लाएंगे तो डेली भी हम देंगे उनको। तो किसी भी प्रकार के वेस्ट को आप लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं? करेंगे जी, बहुत अच्छी पहल है एंड हम आप लोगों को आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच सर। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पूरे द्वीपों में इस कार्य की मॉडल को अपनाया जाए और द्वीप वासियों से भी गुजारिश है कि वे इस नेक पहल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि हमारा पूरा अंडमान निकोबार स्वच्छता की राह पर सबसे आगे रहे और हम सब द्वीपवासियों को भी स्वच्छ सुंदर द्वीप मिले। अंत में हम एक बार फिर पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल सेक्रेटरी दिलकुश मीणा जी और पार्षद श्री अजीजुर रहमान जी को इस पहल के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनिता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस कड़े से विदा लेती हूँ। नमस्कार।